हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन सुपर लीग सीजन 10 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दो। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम के संपर्क में। तो मैंने आप सभी को पहले ही ये खबर दे दी थी कि सारे ही ISL के क्लब्स ने अपने प्लेयर्स को रिलीज़ करने से मना कर दिया है कि वो एशियन गेम्स के लिए अपने प्लेयर्स को रिलीज़ नहीं करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, AIFF और FSDL ने मिलकर क्लब्स के साथ मीटिंग की और 17 मैन का स्क्वाड बनाया है जो कि एशियन गेम्स में जाने वाली है। लेकिन दोस्तों, उसके बावजूद दो और खिलाड़ियों को ऐड किया जाएगा जैसे कि खबर है। तो मोहन बगान FC के डिफेंडर दीपक टांगड़ी को ऐड किया जा रहा है और साथ ही ऐसा खबर है कि मोहन बगान FC के एक और प्लेयर यानी कि सुहेल भट्ट को ऐड किया जाएगा एशियन गेम्स के स्क्वाड में। और सुनील छेत्री तो कैप्टन, लीडर, लेजेंड वो जाहिर हैं। तो होप मैं यही करता हूं कि एशियन गेम्स में हमारी भारतीय टीम बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करे। और उसके बाद आगे बढ़े और बात करें केरला ब्लास्टर्स FC के सेंटर बैक के खिलाड़ी मार्को लेस्कोविच के बारे में। तो दोस्तों, खबर है कि इंजरी के कारण पहले कुछ मैचेस को केरला ब्लास्टर्स FC के सेंटर बैक के खिलाड़ी मार्को लेस्कोविच मिस कर सकते हैं। और दोस्तों, उसके बाद अगला खबर है जमशेदपुर FC के स्ट्राइकर पीटर स्लेस्कोविच को लेकर। तो चेन्नई FC से जमशेदपुर FC को साइन किया है पीटर स्लेस्कोविच ने। लेकिन दोस्तों, ऐसा खबर है कि नी इंजरी के कारण पूरे ISL सीजन 10 को मिस करने वाले हैं पीटर स्लेस्कोविच, जो कि काफ़ी बुरा खबर है जमशेदपुर FC फैंस के लिए। और उसके बाद काफ़ी सारे नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC के फैंस ने मुझसे यही क्वेश्चन किया है कि आखिर यासिर हामिद नेशनल ड्यूटी के बाद कहाँ गए हैं। तो दोस्तों, मैं आप सभी को कन्फर्म खबर बता देता हूँ कि यासिर हामिद इंडिया पहुंच चुके हैं और वो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC के स्क्वाड को ज्वाइन कर चुके हैं और वो प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, जो कि काफी अच्छा खबर है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC फैंस के लिए। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल ये वीडियो में इतना ही था। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, और अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दो। तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं अपने दूसरे वीडियो में।